मरीजों के लिए रेफर और हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 102 और 108 की गई है, लेकिन फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर पर प्राइवेट एम्बुलेंस वालों की दबंगई के चलते 108 और 102 एम्बुलेंस चालक आ ही नहीं पाते। दरअसल फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों और मरीज रेफर करने वाले दलालों का तांता लगा रहता है। जैसे ही कोई एक्सीडेंटल का मरीज या बीमार मरीज हॉस्पिटल में आता है और उसकी हालत सीरियस होती है और डॉक्टर उसे आगरा के लिए रेफर करता है, तभी प्राइवेट एम्बुलेंस वाले सरकारी ट्रामा सेंटर में अंदर घुस जाते हैं और मरीजों को यह कहकर ले जाते हैं कि हम तुम्हें सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि यह प्राइवेट हॉस्पिटलों में सरकारी ट्रामा सेंटर से मरीज ले जाते हैं और वहां छोड़कर अपना कमीशन बना लेते हैं, जिससे परेशान मरीज के तीमारदार ठगी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो वहां का डॉक्टर कमीशन के जो रुपए इन एम्बुलेंस वालों को देता है वह उन मरीजों पर ही लगाता है। जब इसकी शिकायत फिरोजाबाद जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर श्याम मोहन गुप्ता से की गई, उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है और मैं पहले भी कार्रवाई कर चुका हूं, लेकिन फिर भी ये बराबर हो रहा है तो मैंने इसके लिए एक टीम गठित की है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी मैं अकेला कमाने वाला हूँ, लेकिन मेरे लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप जो एम्बुलेंस प्राइवेट जाएगी, प्राइवेट सर्जरी क्यों जाएगी जब आप सरकारी में लेकर में आए हो यहाँ पर, तो प्राइवेट यहाँ से क्यों जाएगी? या मेरी पैदाइश ठीक हो जाए तब मैं प्राइवेट यहाँ से लेके जाता ना। सब्बानी गाड़ी सर्जी में फोन किया, वो नहीं आ रही है सर्जी की बात करो, सब्बान लगा लगे वहाँ गाड़ी कहाँ आ रही है, बुझारी में मना कर रहे हैं वो लोग। अगर यहाँ रात में प्राइवेट एम्बुलेंस का आना लग रहा है, इसको मैं डेली विजिट कर रहा हूँ और इवनिंग में भी करूँगा, देखूंगा इसमें अगर जिस जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूँगा। और इसके लिए मैं पहले भी जो है लेटर दे चुका हूँ स्पष्टीकरण के लिए, कौन है क्या है इसके लिए, और इसके लिए जो भी ले जा रहे हैं उसके लिए मैंने एक कमेटी बना दी है, दो डॉक्टर वो इसकी जाँच कर रही है, जाँच के उपरांत जो भी होगी दोषी होगा उसके खिलाफ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।